सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जैसा बोओगे वैसा फल पाओगे, दूसरों के आंखों में आंसू दोगे तो दो नेत्र तुम्हारे भी हैं। जीवन में हमेशा ये बात याद रखना, दूसरों का दुख बांटना, दुखी मत करना, सबकी राह में दीप जलाना लेकिन किसी का दिल मत जलाना। खुद के बचाव के लिए कभी दूसरों पर दोषारोपण कभी न करें, क्योंकि समय के पास सच प्रकट करने का अपना तरीका होता है। किसी और का दुख देखकर यदि आपको भी दर्द होता है तो इसका मतलब यह है कि आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। आज का पंचांग 23 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 10:39 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रेवती नामक नक्षत्र शाम 7:54 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्विनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:54 से 11:30 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:56 से 12:54 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर शाम 7:54 तक रहेगी। इसके उपरांत मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। कुंभ राशि 23 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार, आपको कोई अप्रत्याशित खुशखबरी मिलेगी। यह आपके करियर या निजी जीवन से जुड़ी हो सकती है, लेकिन इससे आपको वित्तीय लाभ भी होंगे। इससे आपको भविष्य में भी इसी प्रकार के लाभ उठाने का रास्ता दिखाई देगा। आप आज बहुत अच्छे मूड में हैं और आपकी आशावादिता और खुशमिजाजी से सभी प्रभावित होंगे। दोस्तों और परिवार के साथ आनंद लें। कुछ बड़ी योजनाएं भी बन रही है, अपने परिवार से सलाह करें और भविष्य में होने वाले मतभेदों से बचने के लिए विचार विमर्श करें। आज आपका ध्यान घर और परिवार पर केंद्रित रहेगा। यह समय बातचीत, मृत्युता और देखभाल का है। आप लोगों को अपने रचनात्मक स्वभाव से प्रभावित करना चाहेंगे। किसी ऐसे व्यक्ति पर कभी विश्वास मत कीजिए जिसने आपसे झूठ बोला हो, और किसी ऐसे व्यक्ति से कभी झूठ मत बोलिए जो आप पर विश्वास करता हो। आपका स्पष्ट और निडर नजरिया आपके दोस्त के अहम को ठेस पहुंचा सकता है। आप खुद को नए रोमांचक हालात में पाएंगे जो आपको आर्थिक फायदा पहुँचाएंगे। सामाजिक उत्सवों में सहभागिता का मौका है जो आपको प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में लाएगा। आपका प्यार न सिर्फ परवान चढ़ेगा बल्कि नए ऊंचाइयों को भी छुएगा। दिन की शुरुआत प्रिय की मुस्कान से होगी और रात उसके सपनों में ढलेगी। आने वाले समय में दफ्तर में आपका आज का काम कई तरीके से असर दिखाएगा। इस राशि के छात्र छात्राओं को आज के दिन पढ़ाई में मन लगाने में दिक्कतें आ सकती हैं। आज आप अपना कीमती समय दोस्तों के चक्कर में बर्बाद कर सकते हैं। आंखें दिल की बातें बयां कर देती हैं। यह दिन अपने जीवन साथी के साथ इसी भाषा में बात करने के लिए है। अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए आज के दिन बहुत ही अनुकूल है। आप विवेक और चतुराई से विपरीत परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर लेंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा संबंधित कोई रुकावट दूर होने से उन्हें राहत महसूस होगी। नए मित्र या नजदीकी रिश्तेदार का आगमन होगा। लोगों की नाराजगी का सामना होने के कारण फिलहाल आप एकांत में समय बिताना पसंद करेंगे। पैसों संबंधित उतार चढ़ाव रहेगा जिसके कारण अधिकतर ध्यान आपका काम पर ही लगा रहेगा। अपनी जरूरतों को पूरा करते समय निवेश पर भी ध्यान देना आवश्यक है। आर्थिक पक्ष को सुधारने के लिए कौन सी बातें नकारात्मकता निर्माण करती है इस बात का अवलोकन करें। सरकारी काम से जुड़े लोगों की बड़ी समस्याएं दूर करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होगा। पार्टनर के द्वारा मिले सुझाव के कारण होने वाली भावनात्मक तकलीफ दूर होगी। बदलते वातावरण की वजह से सर्दी बुखार की तकलीफ भी आपको हो सकती है, ध्यान रखें। आज के दिन आपके लिए उन्नति दिलाने वाला भी रहेगा। पारिवारिक बिजनेस में कोई बंटवारे को लेकर बातचीत हो सकती है जो आपको परेशानी देगी। माता पिता के आशीर्वाद से आप किसी नए काम में हाथ आजमा सकते हैं। संतान को कोई पुरस्कार मिलने से उनका नाम रोशन होगा। जीवन साथी का
सहयोग व सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। परिवार के सदस्य आपके कामों में पूरा साथ देंगे। आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। सावधानियां, अचानक ही कुछ ऐसे खर्चे आएंगे कि जिन पर कटौती करना भी संभव नहीं है। धैर्य बनाकर रखें, घर के किसी भी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करें और न ही कोई सलाह दें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच आपसी बेहतरीन सामंजस्य तथा मधुरतापूर्ण संबंध रहेंगे। कोई पुरानी दोस्ती प्रेम संबंधों में बदल सकती है, ख्याल रखें। एक करीबी मित्र की तरफ बढ़ता आकर्षण आपकी दिल में प्यार की घंटियां बजा रहा है। नया वातावरण और परिवेश आपको नए अनुभव प्रदान करेगा, जिसका आप अपने रोमांटिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। अपने से बनाई योजनाएं आने वाले समय में लाभप्रद है। आज के दिन आपको अपने चाहने वालों के साथ बातचीत करने और उनके स्नेह को पाने का मौका मिलेगा। इससे आपकी सारी चिंताएं, परेशानियां और कार्यभार कम हो सकता है। आज आप अपने कुल रवैये और प्यार भरी बातों से अपने साथी को प्रभावित करने में सफल रहेंगे, बस उनकी तारीफ करना ना भूलें। बात करते हैं करियर की। इस समय आपका पूरा ध्यान व्यापार की उन्नति में बीतेगा और साथ ही आप बिक्री या खरीद में भी रुचि लेंगे। अपने अनुभव का पूरा प्रयोग करना, अच्छे से योजना बनाना और उसका पालन करना आपको अच्छे से आता है। धन के नुकसान से चिंतित ना हो, क्योंकि धन तो आता जाता रहता है। अपने करियर में सफलता पाने के लिए अपने तर्क और नैतिकता को सही मात्रा में प्रयोग करें। अपने बिजनेस के लिए आप सर्वोत्तम प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए आपने नई ग्राहक नीतियां भी विकसित की है। अत्यधिक महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों से बचें, क्योंकि इसके लिए आपके अधिक समय और धन की आवश्यकता है। कुछ समय से अपने कार्यक्रम में आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं और ये खूबी आज आपको अपने मालिक की नजरों में काफी ऊपर उठाएगी। पदोन्नति भी आपका इंतजार कर रही है, परंतु आपके सहकर्मियों के द्वेष एवं जलन आपका मन खराब कर सकती है। यह आपके लिए एक मुश्किल चुनौती की तरह है और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये चीज आपके मन और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव ना डाले। कारोबारी व्यवस्था नियंत्रित रहेगी। कोई रुकी हुई या उधार दी हुई पेमेंट भी वापस मिल सकती है, परंतु अपनी योजनाएं गुप्त रखें, लीक होने की संभावना है। सरकारी सेवा वाले लोग पब्लिक प्लेस पर कोई दिक्कत महसूस कर सकते हैं। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परंतु वर्तमान नकारात्मक वातावरण की वजह से लापरवाही करना उचित नहीं है। आप पिछले कुछ दिनों से काफी व्यस्त कार्यक्रम से काम कर रहे हैं और अब समय आ गया है कि आप व्यवस्थित हो जाएं। आज आप तुलनात्मक रूप से आराम के मूड में रहेंगे, लेकिन तब भी कोशिश करें कि आज अपना समय देकर अपने सभी मामलों को व्यवस्थित कर पाए, नहीं तो आने वाले दिन में सब चीजें और भी उलझती जाएगी और जैसे ही स्थिति नियंत्रण से बाहर होती दिखेगी, आपको बहुत परेशानी अनुभव होगी। सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय, गरीबों को आज दान पुण्य करें, बहुत शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।